प्रणाम आप सभी को, मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विश्व कथा साहित्य से मशहूर कथाकार मैक्सिम गोर्की की लिखी एक अद्भुत कहानी जिसका शीर्षक है बाज का गीत। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। सीमाहीन समुद्र तट रेखा के पास अलस भाव से छलछलाता और तट से दूर निश्चल नींद में डूबा नीली चांदनी में डूबा था। नर्म और रूपहली क्षितिज के पास दक्षिणी आसमान की नीलिमा से लिपटा वह मीठी नींद सो रहा था। रूई ऐसे बादलों की पारदर्शक बनावट को प्रतिबिंबित करते हुए जो उसकी ही तरह आकाश में निश्चल लटके थे, तारों के सुनहरी बेलबूटों पर अपना आवरण डाले लेकिन उन्हें छिपाए हुए नहीं, आसमान सागर पर झुकता हुआ महसूस होता था, मानो वह कान लगाकर यह सुनने के लिए व्याकुल हो कि उसकी बेचैन लहरें जो अलस भाव से साहिल को पखार रही थी फुसफुसाकर क्या कहना चाह रही है। पर्वत आंधी से टूटे पेड़ों से आच्छादित अपनी खुरदुरी कगारदार चोटियों से ऊपर नीले शून्य को छूते हुए जहां दक्षिणी रात का सुहावना तथा प्रेम भरा अंधेरा अपने स्पर्श से उनके खुरदुरे कठोर कगारों को कोमल बना रहा था। पर्वत गंभीर चिंतन में लीन थे, उनके काले साए अवरोधी आवरणों की तरह उमड़ती हुई हरी लहरों पर पड़ रहे थे, मानो वे ज्वार को रोकना चाहते हों। पानी की लगातार छलछलाहट, झागों की सिसकारियों और उन तमाम आवाजों को खामोश करना चाहते हों जो पर्वत की चोटियों के पीछे से अभी तक नहीं निकले चांद की रूपहली नीली आभा की तरह समूचे दृश्य पटल को प्लावित करने वाली राजदार निस्तब्धता का उल्लंघन कर रही थी। अल्लाह अकबर, नादिर रहीम ओगली के होठों से हल्की सी आवाज प्रकट हुई। वह क्रीमिया निवासी एक बूढ़ा गरड़िया था, लंबा कद, सफेद बाल, दक्षिणी धूप में तपा रंग, दुबला पतला एक अक्लमंद बुजुर्ग। वह और मैं रेत पर पड़े थे, साये में लिपटी और काई ओगी एक भीमाकार चोटी की बगल में, एक उदास और धुंधली चट्टान जो अपने मूल पर्वत से टूटकर अलग हो गई थी। उसके एक बाजू समुद्री सरकंडों और पानी के पौधों की बंधनवार थी जो उसे समुद्र तथा पहाड़ों के मध्य रेत की संकरी पट्टी से जकड़े महसूस होती थी। हमारे अलाव की लपटें सागर तट को रोशन कर रही थी और उनकी कांपती हुई लौ की परछाइयां उसकी पुरानी सतह पर नाच रही थी जो गहरी दरारों से छत विछत थी। रहीम और मैं बैठे हुए कुछ मछलियां उबाल रहे थे जिन्हें हमने अभी पकड़ा था, और हम दोनों ऐसे मूड में थे जिसमें हर वस्तु साफ, अनुप्रमाणित और बोधगम्य प्रतीत होती है। हमारे दिल हल्के और निश्चल थे और सिवा इसके हमारा दिल और कुछ नहीं चाहता था कि यहाँ लेटे रहे और ख्वाब देखते रहें। समुद्र तट पर छपछपा रहा था, लहरों की आवाज़ इतनी हल्की थी जैसे वे हमारे अलाव से अपने आप को गर्माने की प्रार्थना कर रही हों। रह रहकर लहरों की एक रस भनभनाहट में एक ज्यादा ऊंचा और ज्यादा आह्लादपूर्ण आवाज सुनाई दे जाती। यह शायद अधिक साहसी लहरों में से किसी एक की आवाज थी जो ठीक हमारे पैरों तक रेंग जाती थी। रहीम सागर की तरफ मुंह किए पड़ा था, उसकी कोहनियां रेत में धंसी थी, उसका सिर उसके हाथों पर ही टिका था और वह ख्यालों में डूबा हुआ धुंधियाले में घूर रहा था। उसकी भेड़ की खाल की टोपी खिसक कर उसके सिर के पिछले भाग पर पहुंच गई थी और समुद्र की ताजा हवा महीन रेखाओं से टके उसके ऊंचे मस्तक पर पंखा झल रही थी। उसके मुख से दार्शनिक उद्गार प्रकट हो रहे थे, इस बात की फिक्र किए बिना कि मैं उन्हें सुन भी रहा हूं अथवा नहीं। ऐसा लगता था जैसे वह समुद्र से बातें कर रहा हो। जो मनुष्य सच्चाई के साथ खुदा की खिदमत करता है उसे बहिष्त नसीब होता है,
और वह जो खुदा अथवा पैगंबर की खिदमत नहीं करता, शायद वह वहां है जहां झाग दिखाई दे रहा है। पानी की सतह पर ही वे रूपहले धब्बे शायद उसी के ही हो, कौन जाने। काला तथा गहरी उसान से लेता समुद्र उजला हो चला था और चांदनी के टुकड़े बेतरतीबी से उसकी सतह पर छितरे हुए थे। चांद पहाड़ों की कगारदार टेढ़ी मेढ़ी चोटियों के पीछे से बाहर की ओर खिसक आया था और उनिंदे से तट पर उस चोटी पर जिसकी बगल में हम लेटे हुए थे और समुद्र पर जो हल्की सांस भरते हुए उससे मिलने के लिए उठ खड़ा हुआ था, अपनी आभा बिखेर रहा था। रहीम, मुझे कोई कहानी सुनाओ, मैंने बूढ़े व्यक्ति से कहा। किस लिए? अपने सिर को मेरी तरफ मोड़े बिना ही उसने पूछा। ओह, केवल इसलिए कि तुम्हारी कहानियां मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। मैं तुम्हें सब कुछ सुना चुका, अब कोई कहानी शेष नहीं रही। वह सोच रहा था कि उसकी खुशामद की जाए और मैंने उसकी खुशामद की। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक गाना सुना सकता हूँ, उसने राजी होते हुए कहा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि उसके पुराने गानों में से एक सुनने को मिलेगा। मैं फौरन तैयार हो गया और उसने गाने ऐसी आवाज में गीत की पुरानी धुन को बरकरार रखते हुए सुनाना आरंभ किया। ऊंचे पर्वतों पर एक सांप रेंग रहा था। रेंगते रेंगते उसने एक दर्रे में जाकर आराम किया। दर्रा धुंध से घिरा हुआ था और नीचे समुद्र फैला हुआ था। ऊंचे आकाश में सूरज चमचमा रहा था और पहाड़ों की सांस गर्म होकर आकाश में उठ रही थी और नीचे लहरें शोर मचाती चोटियों से टकरा छितरा रही थी और दर्रे के मध्य से अंधेरे और धुंध में लिपटी तेज तर्रार एक नदी बह रही थी। सागर से मिलने की उतावली में रास्ते के पत्थरों को उलटती पलटती झागों का ताज पहने प्राणवान तथा सनातन चट्टानी बाधाओं को काटती आवेश में उबलती उफनती गरज मारकर वह समुद्र में छलांग मार रही थी। अचानक एक बाज जिसके पंख रक्त में रंगे थे और जिसके सीने में एक जख्म था आकाश में से दर्रे में आ गिरा, उसी स्थान जहां सांप कुंडली मारे बैठा था। जमीन से टकराते ही उसके मुख से एक चीख निकली और वहां चट्टान पर पड़ा जीवन से निराश अपने पंख फटकने लगा। सांप डरकर तेजी से भागा मगर शीघ्र ही उसने देखा कि पक्षी मौत के तट पर पहुंच चुका है और फिर यह कि एक आध मिनट में ही वह ठंडा हो जाएगा, इसलिए रेंग कर वह फिर घायल पक्षी के पास लौट आया और ताने के साथ उसके कान में फुंकार को छोड़ा। अभी क्या, मेरे मरने का समय आ गया, गहरी सांस लेते हुए बाज ने कहा। मगर ओह, मैंने खूब जीवन व्यतीत किया है, मैंने सुख का उपभोग किया है, जमकर लड़ाइयां लड़ी हैं, आसमान की ऊंचाइयां मैंने नापी हैं। तुम धरती के कीड़े कभी भी आसमान की उस प्रकार सैर नहीं कर सकते जैसे कि मैंने की है। आसमान वह क्या है? निरा शून्य। किस कार्य का है तुम्हारा आकाश? क्या मैं आसमान में रेंग सकता हूँ? उससे तो अधिक यह दर्रा कहीं अच्छा है जहाँ गर्माई भी है और तरी भी। इस तरह सांप ने बाज से स्वतंत्रता के प्रेमी बाज से कहा और बाज के वीरतापूर्ण अल्फाजों पर मन ही मन हंसने लगा और उसने अपने दिल में सोचा, क्या फर्क पड़ता है इससे अगर कोई रेंगता या उड़ता है। अंत हम सबका एक ही होना है, सबको इसी जमीन पर मरना है, उसकी धूल में ही फिर वापस लौट जाना है। एकाएक बाज ने अपना सिर उठाया और नीचे की तरफ देखते हुए अंधेरे दर्रे को छान गया। चोटी की दरारों में से पानी रिस रहा था और दर्रे का माहौल मृत्यु तथा ह्रास से गंधा रहा था। बाज ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी और शोक तथा आकांक्षा से चिल्ला पड़ा, ओह आसमान में वह उड़ान, अगर मैं एक बार और उड़ सकता। अपने बैरी को झपटकर दबोच लेता, अपने सीने से दबाकर उसका सिर कुचल डालता, अपने खून की गर्मी से उसका दम घोंट देता। ओह संघर्ष का वह सुख,
सांप ने अब सोचा, अगर आकाश में रहना हकीकत में इतना अच्छा न होता तो बाज के दिल से कभी इतनी वेदनापूर्ण चीख न निकलती। और उसने स्वतंत्रता के प्रेमी बाज से कहा, रेंग कर चोटी के सिरे पर आ जाओ तथा लुढ़क कर नीचे गिर पड़ो, शायद तुम्हारे पंख अब भी काम दे जाए और तुम फिर आसमान में उड़ने लगो। बाज का शरीर खुशी से थरथरा उठा, उसके मुख से गर्व भरी हुंकार निकली और रेंग कर बाहर चट्टान पर निकल आया, मिट्टी और काई की लेसदार परत का सहारा लेकर। तथा कगार पर जाकर उसने अपने प्रशस्त पंख फैला दिए, गहरी सांस लेकर अपने फेफड़ों में हवा भरी और अपने नेत्रों से एक चमक सी छोड़ शून्य में कूद पड़ा और बाज पत्थर की तरह तेज गति से गिर चला। गति इतनी तीव्र थी कि उसके पंख टूट टूट कर गिरने लगे। एक लहर ने उसे लपक लिया, उसका खून धोकर साफ कर दिया, झागों में उसे लपेटा और उसे दूर सागर में बहा ले गई। सागर की लहरें शोक से सिर धुनती चोटी की सतह से टकराने लगी और पक्षी चला गया, समुद्र के व्यापक विस्तारों में गायब हो गया। सांप काफी देर तक कुंडली मारे दर्रे में पड़ा हुआ सोचता रहा पक्षी के मौत के विषय में। आकाश के प्रति उसके प्रेम के बारे में वह पड़ा और सोचता रहा और उसने शून्य में दृष्टि जमा दी, जहां सपने जन्म लेते और बेचैन दिल को तसल्ली देते हैं। क्या गुण देखा उसने उस अभागे बाज ने इस शून्य में, इस अंतहीन आसमान में। ऊंची उड़ान भरने की अपनी गहरी आकांक्षा से ये पक्षी दूसरों की शांति में क्यों विघ्न डालते हैं? आकाश में ऐसा क्या भेद है, एक ही उड़ान में चाहे वह कितनी ही संक्षिप्त क्यों न हो मैं सारा राज मालूम कर लूं। और इस तरह बोलकर उसने और भी कसकर कुंडली मारी, शून्य में उछला और सूर्य की धूप में एक काली धारी सी कौंध गया। मगर धरती पर रेंगने के लिए जो जन्मे हैं वे कभी उड़ नहीं सकते। सांप उछला और नीचे चोटियों पर जा गिरा, लेकिन गिरकर वह मरा नहीं, वह हंसा तथा हंसकर बोला, सो यही है उड़ने का मजा, गिरने का मजा। ओह मूर्ख पक्षी, धरती पर पीड़ित हो जिसे वे नहीं जानते, वे आकाश में चढ़ते और उसके थरथराते विस्तारों में रमते हैं, मगर आकाश सिवा शून्य के और क्या है? प्रकाश की भरमार, किंतु ऐसी कोई चीज नहीं जो शरीर को कायम रख सके। तब फिर इतना गर्व किस लिए और इतनी नफरत किस लिए? दुनिया की दृष्टि से अपनी पागल आकांक्षाओं को छिपाने के लिए, जीवन के व्यापार में अपनी पराजय पर पर्दा डालने के लिए? हास्यास्पद पक्षी, तुम्हारे शब्द मुझे फिर कभी धोखा नहीं दे सकते। अब मुझे सारा राज मालूम है। मैंने आकाश को देख लिया है, मैं उड़ा, मैंने उसकी सैर की और आकाश के मध्य से ही मैं गिरा हूँ। हालांकि मैं गिरकर मरा नहीं, अपने में मेरा यकीन अब और भी मजबूत हो गया है। वे अपने भ्रमों में डूबे रहें, वे जो जमीन को प्यार नहीं करते। मैंने सच का पता लगा लिया, पक्षियों की ललकार अब कभी मुझ पर प्रभाव नहीं डालेगी। धरती से मैं जन्मा हूँ और धरती का मैं हूँ। इस तरह बोलकर एक पत्थर पर गर्व से कुंडली मारकर वह जम गया। समुद्र चौंधिया देने वाले प्रकाश का पुंज बना चमचमा रहा था और लहरें पूरी बेरहमी के साथ तट से टकरा रही थी और उनकी शेर जैसी गरज में बाज का गीत गूंज रहा था। चट्टाने समुद्र के हमलों से कांप रही थी और आसमान गीत के स्वरों से थरथरा रहा था। गाते हैं हम उस पागलपन का गीत जो हिम्मत से जूझना जानता है। साहस से लड़ने का यह उन्माद जीव का मूल मंत्र है। ओह कदापि न डिगने झुकने वाले बाज, दुश्मन से लड़कर तूने कीमती खून बहाया है, लेकिन वह वक्त अभी आना है जब तेरा यह खून जीवन के अंधकार में चिंगारी बनकर चमकेगा और वीर हृदय को आज़ादी तथा रोशनी के प्रेम से अनुप्राणित करेगा। तूने अपने जीवन को देकर कीमत चुकाई, मगर तू वीरों के गीतों में सदा जिंदा रहेगा।
आज़ादी और प्रकाश के लिए संघर्ष करने की गर्वीली ललकार के रूप में गूंजता रहेगा। गाते हैं हम उस पागलपन का गीत जो हिम्मत से जूझना जानता है। समुद्र के पारदर्शक विस्तार निस्तब्ध हैं, तट से छलछलाती लहरें सीधे धीरे स्वरों में गुनगुना रही है और मैं स्वयं भी उतना ही निस्तब्ध हूँ जितना कि वह शून्य जिस पर मेरी दृष्टि जमी है। अब पानी की सतह पर चांदनी के रूपहले खंड पहले से ज्यादा हो गए हैं और हमारी केतली शांत भाव से भुनभुना रही है। लहरों में से एक जो अपनी अन्य बहनों को पीछे धकेल कर आगे बढ़ा आई थी, ठिठोली में एक हल्की चीख मारकर उछली तथा रहीम के सिर को छूने की कोशिश करने लगी। भाग यहां से, और क्या सिर पर सवार होगी? हाथ हिलाकर उसे दूर करते हुए रहीम चिल्लाया और वह उसका कहना मान लौट गई। और इसमें लहर को सजीव मानकर रहीम के इस प्रकार उसे झिड़कने में मुझे हंसने तथा चौंक उठने वाली कोई बात नहीं मालूम हुई। हमारे चारों ओर की हर वस्तु असाधारण रूप से सजीव, कोमल और सुहावनी थी। समुद्र शांत था और उसकी ठंडी सांसों में, जो कि वह दिन की तपन से अभी तक तप्त पहाड़ों की चोटियों की तरफ प्रवाहित कर रहा था, बड़ा प्राण मालूम होता था। आसमान की गहरी नीली पृष्ठभूमि पर सुनहरी अक्षरों में तारों का एक गंभीर संदेश अंकित था जो आत्मा को मंत्रमुग्ध करता और दिल को किसी नए आत्मबोध की मधुर उम्मीद से विचलित करता प्रतीत होता था। हर वस्तु उनिंदी थी, लेकिन जागरूकता की गहरी चेतना अपने दिल में बटोरे मानो अगले ही पल सभी पदार्थ नींद की अपनी चादर उतार कर दूर फेंक देंगे और वर्णनीय मीठे स्वर में संवेत गान शुरू कर देंगे। और उनका यह संवेत गान जीवन के राजों को प्रकट करेगा, उनके मस्तिष्क को समझाएगा और फिर मस्तिष्क को छलावे की अग्निशिखा की तरह ठंडा कर देगा और आत्मा को रात्रि के नीले विस्तारों में उड़ा ले जाएगा, जहां तारों के कोमल बेल बूटे भी आत्मबोध के उसी दैवी गीत को गाते रहे होंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ढेरों कहानियां सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।